बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है फेस पे और वो स्माइल अंदर से आती है, खुद से फीलिंग आई हो यार इस सेट पे ये हुआ। विशोरी के सीन्स में ना जो मैंने पेपर में पढ़े थे कि वो क्या सीन्स थे, पर जब आपको उनको करने पे आते हो ना नहीं समझ आता क्या करें। जस्ट समबडी डूइंग फ्यू सीन्स इन द फिल्म, मैंने कहा हां पिक्चर आपकी है, राइटर आपको, डायरेक्टर आपको, हीरो आपको, आप करो, मैं अपना करके घर जाके चिल कर रही हूँ। पर जब पूरी पिक्चर आपके ऊपर होती है ना, देयर इज अनदर लेवल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑन सेट दैट सेट्स इट। आपका नाम राम सेतु में पड़ा था, बड़ी खुशी हुई, मैं दिल से कहता हूँ, क्योंकि यू आर वन ऑफ दोस पीपल। अरे राम सेतु बना रहे हैं और अक्षय सर है उसमें और आप उनके ऑपोजिट होने वाली हो। दरवाजा बोला मैं मम्मी मैं अक्षय कुमार के ऑपोजिट पिक्चर कर रही हूँ। मम्मी क्या हाँ राम सेतु का सेट कैसा था, सेल्फी का सेट कैसा था? यार राम सेतु के सेट पे मेरा जो फर्स्ट डे था व्हेन आई वॉक्ड ऑन द सेट, उसी दिन मेरे लंबे लाइंस थे। SKTS रिलीज हुई थी और बड़ी हिट हुई थी, उस दिन मैंने जाके SKTS से सोनू के टीटू की स्वीटी, करेक्ट, उस दिन मैंने जाके ऑडिशन किया था। प्रोड्यूसर अंकुर ऑफ SKTS हु कॉल्ड मी एंड आई कॉल्ड द कास्टिंग डायरेक्टर एंड सेड आपका दिमाग सही है, आप उसको कहाँ आराम नगर बुला रहे हो, वो हमारी फिल्म की लीड हीरोइन है, उसकी उसकी पिक्चर ने इतनी की ओपनिंग करी है। फील, व्हाई आर यू नॉट फीलिंग, दो वी वर नॉट देयर, इट्स ओके। सचिकाल जी, मैं भवनीत कौशल, तुसी देख रहे हो ABP सांझा। ते आज मैं कह सकदा मेरा दिल बाग बाग होया हुआ है, क्योंकि मैं उस कुड़ी नू काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, ते क्योंकि वो इतनी तरक्की कर चुके ने अपने काम दे विच भी, अपनी अदाकारी दे विच भी, ते हुन तां मैं कह सकदा कि जो जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट अगे अनाउंस भी हो रहे ने ना, वो कमाल दे ने। ते आज एकदम कमाल जी, एक मेरे वन ऑफ द फेवरेट कलर दे विच बैठी है नुशरत भरूचा, वेलकम टू ABP। थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। हाउ स्वीट, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन था यार ये। कितना समझ आया? समझ पूरा आया। अच्छा, बोलना नहीं आता मुझे, पर पंजाबी मुझे सुनने में बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, बहुत, मतलब ऐसे भी बैठ के पंजाबी बोले, मैं कहा बोलते रहो आप, मैं सुन रही हूं बस। वैसे भी पंजाबी आपकी जिंदगी में बहुत टच हुआ, आयुष्मान के साथ फिल्म, यो यो के साथ गाना, पंजाबियों नाल बहुत कनेक्शन हैगा, है ना। सो हाउज लाइफ, पैंडमिक तो निकल चुके, हुन जिंदगी कैसी है? जिंदगी बहुत अच्छी है, टच वुड, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, नथिंग टू फील लेस अबाउट, जस्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉट ऑफ goodwill, good wishes and lots of love, I think that I also feel from audiences after the pandemic. बिल्कुल, दो तीन जो फिल्में रिलीज हुई है लोगों ने इतना पसंद किया है, जबकि जब मैंने की थी तब सोचा नहीं था और कभी एंटिसिपेट नहीं किया था। बिल्कुल, फॉर मी तो छलांग OTT पे आई थी, तो आई वाज लाइक अरे यार OTT पे क्यों आ रही है ना, मेरी जो OTT पे आई थी। हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स OTT के लिए नहीं। फिर अजीब दास्तान आई, फिर छोरी आई, बट वो फीलिंग ही नहीं आई मुझे कि OTT पे आ रही है, बड़े पर्दे पे नहीं आई, बिकॉज ऑडियंसेस तक वो पिक्चर पहुंची, दे सॉ इट, दे लाइक्ड इट, आई गॉट सो मच फीडबैक, आई गॉट सो मेनी मैसेजेस एंड कॉल्स, तो बस आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। या क्या बात है, वैसे नुशरत वो टाइम याद आता है, लाइक जब कैसे ना उन फिल्मों में थे आप जिनको लोग कहते थे यार ये ना बस बननी होती है फन के लिए, जैसे प्यार का पंचनामा टाइप, जब वो हिट हुई उसके बाद ऐसी फिल्में आई कि नुशरत उनका फेस है, नुशरत उनको लीड कर रही है फिल्मों की, ना कि बहुत बहुत सारी एक्ट्रेसेस होती हैं जिनको ना बहुत समय के बाद ये टाइम मिलता है, बट ये जिंदगी में आया, आपकी मेहनत की बतौर आया ये चीज़ें, है ना। हाउ डू यू फील अबाउट इट, कि कितना अच्छा लगता है कि हाँ एक मेरे को उस चीज को पहचान मिल गई? बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है फेस पे और वो स्माइल अंदर से आती है, ऐसे नहीं है कि सर कोई को बोलेगा कैमरा स्माइल आप स्माइल कर दो, वो अंदर से एक खुशी आती है। जबकि मैंने यार अपने आप के लिए वो पाथ कभी ऐसे इमेजिन नहीं किया था। मुझे एक्टर बनना था, मैं एक्टिंग करी थी, पिक्चरों में करी थी, मुझे हमेशा लगता कि जिसने मुझे छोटा रोल दिया वो उसकी शॉर्ट कमी, उसने मुझे इतना ही रोल दिया, थोड़ा और देता बेटर करती तो मतलब अच्छा ही करती। तो आई नेवर फेल्ट कि आई हैव टू गो आउट देयर एंड डू समथिंग टू चेंज परसेप्शंस एंड ओपिनियंस एंड ऑल। आई जस्ट फेल्ट, मैंने कहा आपका आपका फायदा आपका नुकसान, तीन सीन में या 30 सीन में वो आपका है, मतलब इट्स नॉट माइन। बट दीज फिल्म केम टू मी, अजीब दास्तान केम टू मी, दैट डायरेक्टर सॉ समथिंग इन मी विच ही सेड वर्क्स completely well for the character in the film. जबकि उसके पहले किसी ने मुझे उस role में imagine भी नहीं किया था। तो वो जितना उसका talent है उतना ही मेरा भी है ना, कि मैं तो काम कर लूंगी, बट उसने मौका दिया। I feel वो film का credit of casting me in that was totally his. फिर छोरी आई, same
मेकर्स ऑफ छोरी मैं क्रेडिट उनको ही दूंगी कि उन्होंने मुझे इमेजिन तो किया कि हाँ नुशरत इस रोल में बैठ सकती है और काम कर सकती है. मतलब आपने अगर एक कंटेंट लिखा है तो आपको उतना भरोसा एक्टर्स पे करना है कि वो उस कैरेक्टर में अपने आप को ढाल सके, अपना भी कुछ एक कंट्रीब्यूशन फिल्म को लेके आए. अगर आप यही सोचते रहोगे कि नहीं यार वो नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगा, तो वो आपने अपना शॉर्टकमिंग से अपना ही इमेजिनेशन ब्लॉक कर रखा है. जबकि एक्टर्स का काम है टू चेंज and become the role that is written बिल्कुल. and be that act that बिल्कुल. character. आपने बहुत सारा credit ना makers को दिया, like जो फिल्में बना रहे हैं, जो choose कर रहे हैं आपको, right? तो जब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो आपको एक मौका देते हैं, आपने बहुत सारे डिफरेंट लोगों के साथ काम किया, कौन ऐसा शख्स था या कौन सा ऐसा सेट था जिसने आपको और बोला कि हाँ यार ये मेरे में ट्रस्ट करके मेरे से और निकलवा सकता है, जिससे खुद से फीलिंग आई हो यार इस सेट पे ये हुआ. विशाल फुरिया सर छोरी के सेट पे. अच्छा, सच में छोरी के सीन्स में ना जो मैंने पेपर में पढ़े थे कि वो क्या सीन्स थे, पर जब आपको उनको करने पे आते हो ना तो नहीं समझ आता क्या करें. एग्जैक्टली, बिकॉज़ डायलॉग्स नहीं थे इतने. वो अकेली लड़की थी, हर जगह भाग रही थी, बात किससे करती, डायलॉग करती किससे. तो उसको पूरा इमोशन अपने अंदर समेट के रखना था, वही इमोशन उसको पर्दे पे लाना था. एंड अनरियल चीजें की है यार मैंने. आप सोचो अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे एक्ट करो कि आपकी पूरी बॉडी पे आग लगी है, कैसे इमेजिन करोगे आप? बिल्कुल, वो लेवल ऑफ पेन जब एक इंसान उससे गुजरता नहीं है तब तक उसको पता ही नहीं चलता ना वो क्या है. तो मैं वो फील कैसे लाऊं कि मेरी पूरी बॉडी पे आग लगी हुई है, मैं कहां से इमोट करूं? मेरे लिए अनरियल इमोशन था वो. एक स्ट्रेस में मैंने बच्चे को जन्म दे दिया, मैंने बर्थ दे दिया, कैसे इमेजिन करूं? मतलब वो लेवल ऑफ पेन कैसे इमेजिन करूं कि भाई कोई नहीं है, कुछ नहीं है, स्ट्रेस में I just pushed the baby out. How? So those were really unreal situations for me, where I needed to perform and meko nahi samajh aa raha tha ki kya karu. Matlab I was not getting a single thread of my own like reality. Ji haan, kuch kuch kahan se laye gaye, kahan se nikale. Us time pe Vishal sir aaye the. Vishal sir ne jis tarah se mujhe samjhaya, jis tarah se kiya, wo bahut amazing tha yaar. You know how he did it? He connected my unborn child to my pet. क्योंकि आपका जो एक pet आप घर पे रखते हो ना, उसको आप बच्चे की तरह पालते हो. तो he asked me to imagine that कि उसको कोई छीन के मार रहा है. और वो बेचारा pet भी बेजुबान है, वो क्या बोलेगा, वो क्या ही कर पाएगा. And he said that and भव्या, I can't tell you, मैं जो रोने लगी उस set में. तो विशाल सर ने किया यार वो. आए। ये जो है like I still can see and you went into that zone. Yeah, है ना? Yeah, I went into that scene right now where अरे वाह, I can't tell you. है ना? सोचने वाली बात है ना, बहुत सारी कास्ट उनके साथ फिल्में करना कि हाँ बहुत सारे लोग हैं, बीच में मेरा भी एक कैरेक्टर, चाहे वो मेन है कुछ है. फिर एक फिल्में आती हैं जिसमें आप मेन हो, चाहे छलांग लगा लो, चाहे अब जनहित में जारी की बात करूं है, लाइक एक मैसेज लेके लड़की सड़कों पे दौड़ रही है. हाउ डू यू फील द डिफरेंस, लाइक इस दोनों, इन दोनों क्राफ्ट्स में बहुत फर्क है ना? एज ए एक्टर, एज ए पर्सन, कैसे शेप करता है आपको और कितना डर होता है ऐसे किरदार करते हुए, क्योंकि फिल्म पूरी आपके ऊपर है. यार डर नहीं होता है, पता है क्या होता है, आप में ना एक अजीब सा उसको मैच्योरिटी कह लो, आई थिंक आप में से एक अजीब सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल जब आप छोटे होते हो, 20-21 साल के होते हो, तो आपको नहीं फर्क पड़ता घर में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, आप मस्ती में जिंदगी जी रहे होते हो. बट एक एज के बाद ना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ जाती है कि यार मेरे बिना ये मेरे मॉम एंड डैडी कर नहीं पाएंगे, मेरे बिना ये घर में ना ये कलेश हो जाएगा या ये गड़बड़ हो जाएगी. तो मुझे बीइंग द स्मार्टर पर्सन इन द हाउस और द यंग पर्सन इन द हाउस, जिसके हाथ पैर चल रहे हैं, जो भागम दौड़ी कर सकता है, मॉम एंड डैडी नहीं कर सकते एक एज के बाद, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कहीं ना कहीं एक बच्चे में आ जाती है. और वो कब वो बच्चे से वो एक मैन बन जाता है या वुमन बन जाता है पता नहीं चलता है. बिल्कुल, बिल्कुल. वह वो पूरे घर की भागदौड़ अपने हाथ में ले लेते हैं कि आप मत करो, मैं सॉल्व कर रही हूँ, या आप रहने दो मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप चिल करो घर पे, चाय पियो, कॉफी पियो, नेटफ्लिक्स देखो, चिल करो, मैं करके आ रही हूँ.
तो वो ना आई थिंक वो शिफ्ट हुआ फ्रॉम बीइंग जस्ट समबडी डूइंग फ्यू सीन्स इन द फिल्म. मैंने कहा पिक्चर आपकी है, राइटर आपको, डायरेक्टर आपको, हीरो आपको, आप करो. मैं अपना करके घर जाके चिल कर रही हूँ. बट जब पूरी पिक्चर आपके ऊपर होती है ना, देयर इज अनदर लेवल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑन सेट दैट सेट्स इट. फिर नींद भी नहीं आती कई बार. मोर देन नींद, बताओ समथिंग एज बेसिक एज, मुझे किसी ने कहा था एज एन एडी के ग्रुप में कि इस जने तो बहुत एक्टर्स हैं, राइट, देयर आर लाइक सम 8-10 कैरेक्टर्स दैट आर देयर इन द हाउस. वन डे दे टोल्ड मी कि अगर आप 7 बजे सेट पे आ जाओगे ना फर्स्ट शॉट के लिए रोलिंग, तो बाकी सब भी 7 बजे आ जाएंगे. वाओ. ये थॉट मैं ऐसे उसको देखा, मैंने कहा बात तो सही है, बिकॉज सब यही बोलेंगे ना कि अगर नुशरत पहुंच सकती है तो हमें तो पहुंचना ही पड़ेगा ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई सेड ठीक है ब्रो, मैं 7 बजे आती हूँ. उसके बाद मैं 7 o'clock मैं सेट पे बैठी हूँ, कोई आए ना आए, बट मैं जाके बैठ जाती हूँ सेट पे. मैंने कहा मैं रेडी हूँ, कॉफी लाओ, चाय लाओ, जो लाना लाओ, जितने एक्टर्स आ रहे हैं उनके साथ काम करेंगे. बट इट बिकेम अ थिंग ऑफ आई एम सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर द होल सेट टू फंक्शन. एडीज ऑल्सो विल पिक अप देयर सॉक्स, द लाइटिंग विल पिक अप देयर सॉक्स. कह रही हूँ नुशरत आ गई, नुशरत आ गई, मेन एक्टर वो है, वो आ गई. तो अभी लाइटिंग नहीं हो सकती, हमें लाइटिंग उसके पहले रेडी करनी चाहिए. yes, yes, हमें सेट उससे पहले रेडी होना चाहिए था. तो ये जो बात थी ना, वो एक सेटिंग इन एज एन एज अ रिस्पांसिबिलिटी आ गई थी आई थिंक मेरे अंदर. बिल्कुल. और वो रिस्पांसिबिलिटी ना कहीं मैं कह सकता हूँ वो पर्दे पर भी दिखने लग गई है अब तो, है ना, कि है ना, जब ट्रेलर बाहर आता है सब चीजें होती हैं. और जिस तरह का अभी आपकी फिल्मों की अनाउंसमेंट हुई, जब हमने आपका नाम राम सेतु में पढ़ा था, बड़ी खुशी हुई. मैं दिल से कहता हूँ क्योंकि यू आर वन ऑफ दोज पीपल. अरे really, I'm telling you, wishes of y'all as audiences and for me, your media, but for me, my audience. जी, बिल्कुल. मतलब मैं उसको critically media wise नहीं देखती हूँ. बिल्कुल, बिल्कुल. आप मुझे मिलते audience की तरह feedback वैसे देते हो. बिल्कुल. तो जब आप इतनी खुश होते हो, तो मुझे automatically ऐसे blessed feel होता है. मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि ना जिन लोगों ने खुद शुरू किया होता है, जिनके पास लाइक प्लेट में सच के चीजें नहीं आ रही हैं, क्योंकि हमने, आप वो लोग हो जो हमारे करियर में हमने पूरी जर्नी देखी है आपकी, राइट. तो जब इस तरह की चीज हुई, जब उस सेट पे थी, तब नुशरत को लाइक अकम्प्लिश्ड फील हुआ कि हाँ यार, इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े एक्टर्स, और मैं भी उनमें शामिल, और मैं भी उतनी बड़ी अब हो गई. बात बताओ, जब पैंडेमिक चालू हुआ था, इसके पहले ड्रीम गर्ल रिलीज होके गई थी, राइट, जिसके प्रमोशंस के टाइम पे मैं बॉम्बे आया था और नुशरत बीमार चल रही थी. तो जब पेंडेमिक हुआ था ना, तो मेरी एक बहुत बड़ी हिट हुई थी ड्रीम गर्ल. अब हर एक्टर का ना, या पूरे फिल्म के क्रू का, अगर फिल्म हिट हुई तो सबको फायदा होता है. बट हम उस चीज का फायदा उठा ही नहीं पाए, बिकॉज उसके बाद एकदम से लॉकडाउन ही हो गया. मार्च में, नवंबर 2019 में आई थी, 2020 मार्च में लॉकडाउन हो गया. तो मैंने कहा यार, अभी 5 महीने हुए मेरी फिल्म को रिलीज होके, और मैं कुछ आगे शूट करूं, स्टार्ट सेटअप करूं, बात करूं, उससे पहले ही हम घर बैठ गए. तो दैट बिगनिंग 1-2 months ना, वेरी डॉन्टिंग फॉर मी इन द पैंडेमिक कि मेरा क्या होगा, भूल जाएंगे लोग ड्रीम गर्ल आई गई, मतलब बहुत सारी और पिक्चरें बन रही है, मुझे कास्ट करेंगे नहीं करेंगे. एंड आई डोंट व्हाई आई ऑलवेज फेल्ट, एंड आई एम सेइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्चुअली आई हैव नॉट सेड दिस बिफोर, आई फेल्ट कि मुझे कोई बड़ा एक्टर के सामने क्यों कास्ट करेगा, लाइक व्हेन विल आई एवर मेक इट टू द टॉप ऑफ द ऑप्शंस ऑफ लिस्ट. Away, I cannot tell you when in April I got a call, but next April, not that April, 2021 April I got a call, April थोड़ा सा पहले, कि हम राम सेतु बना रहे हैं और अक्षय सर है उसमें और आप उनके opposite होने वाली हो. Wow. मैं बेडरूम में टेलीफोन पे बात करती थी, मैंने कहा अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसे सबने हाँ बोल दिया है, फ्रॉम प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अक्षय सर, सब. हाँ हाँ हाँ, आप कर रही हो. ओके. फोन रखा मैंने स्लो मोशन में, बाहर अपने हॉल में मम्मी बैठी है टेबल पे, दरवाजा खोला, मैं कहा मम्मी मैं अक्षय कुमार के ऑपोजिट पिक्चर कर रही हूँ. मम्मी कहे हाँ. हाँ, मुझे भी नहीं समझ आ रहा, बट हाँ. Wow. So that was my expression then, and I was thinking मैंने कहा मैं इस बात को लेके पूरा एक साल स्ट्रेस में थी कि क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कब कब, when will I come into that, you know, section of actors जहाँ मैं consider होती हूँ. Yes. See, I. Wow. This is the point, Nushrat. Consider होना. Yes. कि किसी ने सोचा, एक तो आपको तो मिल गई वो चीज. पहले तो मैं कहता हूँ उस level की खुशी की consider हो गई है ना. मैं तो उसी से खुश थी. हाँ. कि अच्छा आपने मेरा नाम suggest किया. Okay. लोगों को मेरा नाम पता है. They know who I am. वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. But I got cast.
वाओ एंड उसके बाद सेल्फी में भी कास्ट हो गई. सो आई वाज लाइक अच्छा भगवान कुछ तो तू ही कर रहा है सही. मैं बस आपके नक्शो कदम पे चल रही हूँ, मुझे इतना पता मुझे. सो लाइक योर एक्साइटमेंट मेरे को लगता है कि ये काम को बेटर करती है ना. लाइक नुसरत सेट पे कैसी है? लाइक राम सेतु का सेट कैसा था? सेल्फी का सेट कैसा था? यार राम सेतु के सेट पे मेरा जो फर्स्ट डे था व्हेन आई वॉक्ड ऑन द सेट, उसी दिन मेरे लंबे लाइंस थे. अच्छा. एंड मैं ऐसे मैंने कहा मैं रीटेक अगर करूंगी तो क्या होगा, मतलब आई कांट ना, आई हैव टू बी मोस्ट प्रिपेयर्ड. बिल्कुल बिल्कुल. कि भाई एक टेक में लड़की ने कर दिया. हाँ, वो अंदर से होता ना कि एक्टर को अच्छे 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 दिखना मुझे, फर्स्ट इंप्रेशन. एंड अक्षय सर ने वॉक्ड ऑन द सेट एंड आई एम लाइक जस्ट ब्रीद, जस्ट ब्रीद, जस्ट ब्रीद, यू कैन डू दिस. But I'm telling you, the credit of me being able to be me, not being comfortable, not being okay, not being me, being me, Nusrat Bharucha, was all because of Akshay sir. Wow. वो ऐसे इंसान है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जो एक एक्टर को एक इंसान इंसानियत के तौर पे इतना कंफर्टेबल करते हैं. wow. वो पूरे सेट को पूरे टीम का माहौल इतना अमेजिंग रखते हैं कि आपको कहीं भी नहीं लगता कि आप अक्षय कुमार के सेट पे हैं. इतने सीनियर हैं, इतने सब लोग. माय डायरेक्टर इज सो सीनियर, माय डीपी असीम सर इज सो सीनियर. यू डोंट फील दैट, यू फील लाइक हम सब एक फिल्म का हिस्सा, हम सब क्रिएटिव लोग हैं, हम नॉर्मल हैं. वो जो नॉर्मलाइजिंग का प्रोसेस है ना, वो अक्षय सर को क्रेडिट जाता है यार. ही कीप्स द सेट वेरी हैप्पी. क्या बात है. और मेरे ख्याल से जो नॉर्मलाइजेशन है उसके साथ साथ जो भी चीज़ें हुई हैं ना, तो वो टर्न आउट भी वैसे ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना. सो बट अगर पर्सनल स्पेस की बात करूँ, लाइक जनहित इज ऑन अराउंड द कॉर्नर, तो उसके साथ साथ चीज़ें बेटर तो हैं, बट अंदर से कितना चैलेंज है. लाइक जब आपने शुरू किया था, मैंने रिसेंटली जब कार्तिक से मिला था ना, तो कार्तिक ने एक चीज़ बोली, कहते हैं प्यार का पंचनामा करने के बाद ना, उसके बाद भी ना ऑडिशंस करने पड़ते थे, है ना. मैंने भी किए. हाँ ऑफ कोर्स. जिस दिन SKTS रिलीज हुई थी और बड़ी हिट हुई थी, उस दिन मैंने जाके SKTS से सोनू के टीटू की स्वीटी. करेक्ट. उस दिन मैंने जाके ऑडिशन किया था. मैं आपको ये बिल्कुल मजाक की बात नहीं है, मुझे किसी ने फोन किया था कि ये शो है, शो इसके लिए आपको ऑडिशन करने आना है, शो. अच्छा. तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि बींग हु वी आर, हम चप्पलें ही घिसाई हैं. हाँ, बिल्कुल. हमने बिल्कुल. एक जगह से दूसरी जगह ऑडिशन ही किए हैं पूरे इतने साल से. कौन से आराम नगर के कौन से ऑफिस में किसका ऑडिशन चल रहा है, हमें बैक ऑफ द हैंड पता था. पता था. घूमते फिरते वहीं थे ना. तो इवन दो SKTS रिलीज हुई एंड इट ओपनड टू अ वेरी बिग नंबर, वेरी वेरी बिग नंबर. हां, और उसके वर्ड ऑफ माउथ ने तो उसको कमाल ही कर दिया. बट उसका मैथ्स हमें एज एन एक्टर, मुझे तो नहीं समझ आता था. मैंने कहा मेरी पिक्चर की निकली है, उसके बाद एज एन एक्टर व्हाट डू यू वांट, कि आपको और काम मिले. काम मिले. करेक्ट. अब किसी ने मुझे अगले दिन फोन किया सामने से ऑडिशन करने आओ, तो मैं तो एक्साइट हो गई, अरे ऑडिशन मिल रहा है, तो मैं चली गई ऑडिशन करने. It was my producer Ankur of SKTKS who's called me and has called the casting director and said, "Aap ka dimag sahi hai? Aap usko kahan Aram Nagar bula rahe ho? Wo hamari film ki lead heroine hai. Uski picture ne itni ki opening kari hai. I'm sorry, wo nahi aa sakti aapke wahan waise audition karne. Uski picture aaj release hui hai. Aur aap usse agle din audition bula rahe ho, ab wo bhi ek show ke liye. So Ankur Gar called and said, "Ruk jao, thak jao. 3 din de do, usko apna release khatam karne do, promotion khatam karne do. उसके बाद हम आपको ऑडिशन करके उसका एक टेस्ट भेज देंगे. हाँ. आपको ऑडिशन ही चाहिए. लाइक अंकुर रियलाइज कि इसको रियलाइजेशन नहीं है कि हुआ क्या, हुआ क्या. बेटा तू आराम नगर नहीं जाएगी, तू घर पे आराम कर. अदर एक्टर्स ऑडिशन, मैं तो लाइन भी बैठ गई थी जाके. अरे हाँ जी, मैं बहुत नॉर्मल थी, मुझे वो समझ ही नहीं आया ना, व्हाट इज दिस. So it took my friend. देखो जी, ये फिट पिक्चर के बाद ऑफिस पे हम टेस्ट करके भेज देंगे उसका. He said that. क्या बात कि वो वहाँ की वेट नहीं करेगी, ऐसे we'll send it from office. Wow. जब ये सारी चीजें याद आती है, नुसरत क्या लगता है कितनी पागल थी मैं, है ना? I'm like, अच्छा, okay, मैं तो ऑडिशन देने जा रही थी. वाओ. और उसके बाद अब का टाइम है, 3 हफ्ते पहले जब मैडम की बर्थडे पार्टी हुई, उसकी तस्वीरें देख के पता लग रहा था, नाउ आई एम अ स्टार, यू नो, सो गुड टू सी दैट. नहीं, यू हैव टू फील इट, यू हैव टू फील इट, यू हैव टू फील इट. वी आर गोइंग टू गिव हर अ फील. व्हाई आर यू नॉट फीलिंग? दो वी वर नॉट देयर, इट्स ओके.
बैटल प्लग इन बट नहीं यार वो था, और मैं सच कह रहा हूँ कि जब लोग बढ़ते हैं अपनी मेहनत से वो दिखता है और वो उससे ऑडियंस भी एंटरटेन होती है. सो मेरे हिसाब से लाइक ऑडियंस को इतना तो पता है कि नुसरत अब अच्छा काम कर रही है. और अब क्या क्या प्लान किया है, फिल्में कर रही हो या सिर्फ OTT करने वाली हो, क्या कुछ है? सब कुछ. आई डोंट थिंक मैंने किसी चीज़ के लिए एक्टिवली मना किया है कि ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे नहीं समझ आता. मैंने कहानियाँ मना की है, वो कहानी OTT की हो, एक शो की हो, फिल्म की हो, क्योंकि अगर मुझे कहानी नहीं पसंद तो आप कहीं भी उसके लिए बना दो, मुझे मज़ा नहीं आएगा. बट अगर मुझे कहानी पसंद है, मुझे मजा आ रहा है करते हुए, तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो. Okay. अब तमन्ना क्या है मन की? क्योंकि जब एक एक्टर कहते हैं ना कि खिलता है, जब फूल खिलता है ना, तो उसको तरह तरह की चीजें पसंद होती है, तरह तरह के भंवरे पसंद होते हैं. तो किस तरह के भंवरे आप चाहते हैं जिंदगी में, लाइक काम के प्रति? किस टाइप के किरदार? आई डोंट नो यार, सच में मैं आज भी अगर सोचने जाऊँ कि ऐसा क्या है जो मुझे करना है, आउट ऑफ द थिन एयर एंड आउट ऑफ द ब्लू मैं उसको इमेजिन करके आपको नहीं बोल पाऊंगी. बट जब वो पेपर पे मेरे पास आता है ना एज अ कॉन्सेप्ट और स्टोरी, आई एम लाइक ये करना है. ओके, टेल मी वन पर्सन यू वांट टू वर्क विद राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर भी एक्टर भी, जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं राइट अवे. अभिषेक चौबे. I think he's been one director I have been wanting to work with from the time LSD released. Wow. मैंने LSD की success party पे वो आए थे और मैंने उनको उसी time बोला था. मैंने कहा सर आपकी picture में अगर आप मुझे side का पेड़ भी बना दोगे ना, मैं खड़े होकर ऐसे हिला दूँगी. क्या बात है. और actor? I'm going to do that also. तो बड़ा tricky हो जाता था ये. What is it? Because there are too many. Okay, just say one name, just a random name. You would love to work with. Ranbir Kapoor. Okay. For sure. क्या बात है. My favorite actor. Forget wanting to be acting with him. I just want to be on a set to watch him do what he does. Wow. This is just an admiration for an actor. मुझे उस set पे सिर्फ एक बैठ के आप देख सकते हो भी किसी ने अगर मुझे बुला दिया तो very happy to sit for 12 hours on a set and watch him, you know, act like do what he does. क्या बात है. और मैं एक बात कह सकता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलकर एनर्जी से पता लगता है उनकी कि वो अपने काम के लिए कितने लॉयल हैं, और वो एनर्जी आज आपसे मिली है. मुझे अभी भी बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर आई, और उम्मीद करेंगे कि जब भी आपकी कोई फिल्म आनी हो हमें मौका मिले आपसे बात करने का. और लाइक जिस तरह से आप अपनी जर्नी तय कर पाई हैं, मैं कह सकता हूँ कि नुसरत आप जैसे एक्टर्स बहुत सारी उन लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है जो कहते ना मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं. और जो मुकाम आपने अब तक हासिल किया है, मैं चाहूंगा कि ये सिर्फ शुरुआत हो, है ना. लवली मीटिंग यू. और जाने से पहले क्या कहना चाहोगे आप? बस यही यार कि बहुत लंबा सफर है, बट ये सफर आपके बिना होता ही नहीं. मैं यहाँ आपके बिना आती ही नहीं, पहुंचती नहीं, कहाँ होती पता नहीं. तो जितना मैंने अपने लिए किया है उतना ही आप लोगों ने भी मेरे लिए किया है. वेदर आप ये जानते हो नहीं जानते हो, मुझे ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रखती हूँ अपने आप आपके साथ कि द ऑडियंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी बीइंग एक्टर, स्टार, इंस्पिरेशन, समबडी यू लुक अप टू, एनीथिंग. आप मुझे जो शब्द देना चाहो, आप मुझे नुसरत भी बोल के बोलना चाहो कि भाई नुसरत है, दैट्स ऑल्सो फाइन. बट आपका प्यार ही है जो यहाँ तक मुझे लेके आया है. सो थैंक यू वेरी मच. क्या बात है जी. उम्मीद करेंगे कि आप सबका प्यार इनको भी मिलता रहे. इनका बहुत सारा काम है जो ऑलरेडी OTT पे है, जनहित में जारी आ रही है, फिर राम सेतु है, फिर ये सबके साथ मिलकर सेल्फी लेने वाली है. बहुत कुछ है जो नुसरत की तरफ से आपके सामने पेश किया जाएगा. उम्मीद करते हैं कि जो अच्छा कॉन्टेंट हम एक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं वो जरूर मिले. कैमरामैन वेद राम के साथ भवनीत कौशल साइनिंग ऑफ. देश दुनिया की तमाम खबर सिलसिला ABP साझाते जा रही है. बाय बाय.